हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है। नायब सिंह सैनी ने राज्य के मुखिया के रूप में शपथ ग्रहण कर वे एक बार फिर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पंचकूला का दशहरा मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। यहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समारोह का हिस्सा रहे। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के बतौर 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। उनके साथ 11 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, वहीं 2 राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। कौन कौन मंत्री हैं, कहां से आते हैं, सब इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहले आपको वो नाम बता देते हैं जिन्हें सरकार में जगह दी गई है। तो सीएम सैनी के बाद अंबाला से जीत कर आए विधायक अनिल विज ने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। अनिल विज के बाद कृष्ण पवार ने शपथ ली। पवार के बाद राव नरवीर मंत्री बनाए गए हैं। महिपाल ढांडा को भी मंत्री बनाया गया है। उधर विपुल गोयल को भी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही अरविंद कुमार शर्मा भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। शर्मा के बाद श्याम सिंह राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद रणवीर सिंह गंगवा को भी मंत्री बनाया गया है। उधर कृष्ण कुमार बेदी ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। महिलाओं की बात की जाए तो तोशाम से जीत कर आई श्रुति चौधरी को भी सरकार में शामिल किया गया है। वहीं अटेली से आरती सिंह राव को भी मंत्री बनाया गया है। उनके बाद राजेश नागर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई। आखिरी में गौरव गौतम को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई। बहरहाल जिनको मंत्री बनाया गया है उनके बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनिल विज की। अनिल विज अंबाला कैंट से जीत कर आए हैं और इस बार उन्होंने 7वीं बार लगातार जीत दर्ज की है। विज पिछली सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। हालांकि वे मुख्यमंत्री की दावेदारी भी करते रहे, लेकिन उन्हें इस बार भी मंत्री बनाया गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस सरकार में उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है। विज के बाद कृष्ण लाल पवार ने शपथ ग्रहण की। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, दलित नेता हैं। उन्होंने करनाल की आरक्षित इसराना विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। अब तक कुल 6 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है। बीजेपी से पहले वे INLD में रह चुके हैं। 1991 में पहली बार विधायक बने थे, लेकिन 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। लिहाजा 2015 से 19 तक भी वे मनोहर सरकार में अलग अलग पदों पर मंत्री रहे। उस समय परिवहन, आवास, जेल मंत्री जैसे पद पर उन्होंने काम किया। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद पवार को 2022 में राज्यसभा भेज दिया गया था। वहीं इसराना से जीतने के बाद उन्होंने राज्यसभा से बीते दिनों ही इस्तीफा दिया है और अब शपथ ग्रहण कर हरियाणा सरकार का हिस्सा बन गए हैं। अगला नाम राव नरवीर का है। राव नरवीर के बारे में बताएं आपको तो उन्होंने हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर से जीत दर्ज की है। वे 4थी बार हरियाणा सरकार में मंत्री बने हैं, जबकि 26 साल की उम्र में हरियाणा के गृह मंत्री के रूप में वे सबसे कम उम्र के नेता थे। हालांकि 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें दोबारा चुनाव मैदान में उतारा और उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की, लिहाजा अब उन्हें मंत्री बनाया गया है। वहीं अगला नाम महिपाल ढांडा का है, जो मंत्री बनाए गए हैं। ढांडा पानीपत ग्रामीण से लगातार 3री बार विधायक बने हैं। वे जाट समाज से आते हैं और पिछली सरकार में भी ढांडा पंचायत मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार भी उनकी दावेदारी मजबूत पदों पर है। एक फैक्टर और सामने आ रहा है, इसके मुताबिक ढांडा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी भी बताए जाते हैं और उनके संसदीय क्षेत्र से भी आते हैं। अगले नाम की बात करें तो फरीदाबाद से जीत कर आए विपुल गोयल को भी सरकार में शामिल किया गया है। हालांकि वे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। मनोहर लाल के पहले कार्यकाल में विपुल गोयल उद्योग मंत्री रहे हैं। गोयल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। अगले नाम की ओर बढ़ते हैं तो पूर्व सांसद अरविंद कुमार शर्मा को भी मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने शर्मा को विधानसभा चुनाव में बुहाना से टिकट दी और उन्होंने जीत भी दर्ज की। 2019 में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हराकर शर्मा सांसद बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली और इसके बाद अब उन्हें हरियाणा सरकार में बतौर मंत्री जगह दी गई है। शर्मा के मंत्री बनाए जाने को लेकर कहा जा रहा है कि वे ब्राह्मण समाज से आते हैं और अमित शाह के नज़दीकी हैं, लिहाजा उन्हें हरियाणा कैबिनेट में जगह दी गई है। एक नाम श्याम सिंह राणा का भी है, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। राणा यमुनानगर की रादौर विधानसभा से जीते हैं और
माना जा रहा है कि राजपूत जाति के कोटे से इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वहीं कहा जा रहा है कि इनकी गिनती नायब सिंह सैनी की करीबियों में होती है। उन्हें मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में मुख्य संसदीय सचिव भी बनाया गया था। 2020 में राणा ने किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को छोड़ दिया था, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन एक बार फिर से वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। राणा को लेकर कहा जा रहा है कि वे सैनी सरकार में सबसे उम्रदराज मंत्री हैं और उनकी उम्र करीब 76 साल के आसपास है। राणा के बाद रणवीर गंगवा ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। गंगवा ने हिसार के बरवाला विधानसभा से चुनाव जीता है। रणवीर गंगवा ने राजनीति की शुरुआत अपने गांव गंगवा से ही की थी। 1990 में महज 26 साल की उम्र में उन्होंने पंच का चुनाव जीता था। इसके बाद 2000 में उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2005 में उन्होंने फिर जिला परिषद का चुनाव जीतकर वाइस चेयरमैन का पद हासिल किया। इसके बाद गंगवा ने INLD से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी संपत सिंह के सामने हार गए। लिहाजा 2010 में INLD ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। साल आया 2014 जब उन्होंने नलवा विधानसभा से जीत हासिल की, लेकिन 2019 में वे बीजेपी में शामिल हो गए और एक बार फिर बीजेपी की टिकट पर नलवा से चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज की। इस जीत के बाद उन्हें हरियाणा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया और अब 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बरवाला से पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई है, लिहाजा अब उन्हें मंत्री बनाया गया है। जातिगत समीकरण की बात करें तो गंगवा बीजेपी का मजबूत OBC चेहरा है और कुमार समाज से आते हैं। वहीं एक नाम कृष्ण बेदी का भी है जिन्हें मंत्री बनाया गया है। कृष्ण बेदी वाल्मीकि समाज से आते हैं और 2014 में शाहबाद से विधायक चुनने के बाद मनोहर सरकार के पहले टर्म में मंत्री बने। इस बार उन्होंने जींद की नरवाना विधानसभा से बीजेपी को जीत दिलाई है। बेदी के बारे में कहा जाता है कि वे नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल दोनों के ही करीबी हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव भी रहे हैं। लिहाजा इस सरकार में मंत्री बनाने के बाद कहा जा रहा है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंत्रियों की इस फेहरिस्त में अगला नाम श्रुति चौधरी का है। श्रुति चौधरी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। उन्होंने अपने दादा बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए तोशाम विधानसभा से जीत दर्ज की। श्रुति के बारे में बताएं तो वे लंबे समय तक कांग्रेस में रही। 2009 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वे सांसद भी रह चुकी हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद श्रुति चौधरी ने अपनी मां के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। कहा जा रहा था कि 2024 में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद उन्होंने ऐसा फैसला लिया। लिहाजा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तोशाम से उन्हें प्रत्याशी बनाया और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को हराकर जीत दर्ज की और अब उन्हें हरियाणा सरकार में मंत्री बनाया गया है। श्रुति के बाद आरती सिंह राव की बात कर लेते हैं, जो दूसरी महिला मंत्री हैं जिन्हें सैनी सरकार में जगह दी गई है। आरती राव ने रेवाड़ी की अटेली विधानसभा से चुनाव जीता है। आरती सिंह गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। वे पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। हालांकि पिछली बार भी उन्होंने टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। इस बार वे काफ़ी सक्रिय थीं और बीजेपी ने उन्हें टिकट दी, लिहाजा उन्होंने जीत भी दर्ज की। ऐसे में अब उन्हें मंत्री बनाया गया है। आखिरी में दो राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उनके बारे में आपको बताएं तो राजेश नागर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है। राजेश 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में फरीदाबाद की तिगांव सीट से जीतकर आए हैं और लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। वे OBC समुदाय से आते हैं। वहीं आखिरी नाम गौरव गौतम का है, इनके बारे में आपको बताएं तो ये पलवल से जीतकर आए हैं और अब हरियाणा सरकार में इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में लगाया गया है। गौरव गौतम ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को हराया है। गौरव ब्राह्मण समाज से आते हैं, लिहाजा ब्राह्मणों को साधने के लिए उन्हें मंत्री बनाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं उन्हें केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से सांसद कृष्ण सिंह गुर्जर का करीबी माना जाता है। इस सब के अंदर गौरव गौतम के बारे में आपको बताएं तो वे हरियाणा सरकार में सबसे युवा मंत्री हैं। उनकी उम्र महज 36 साल है। बहरहाल ये थे वो 13 नाम जिन्हें मंत्री बनाया गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अहिरवाल से लेकर जाटलैंड तक, OBC से लेकर दलित और ब्राह्मण समाज तक को साधने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में अब नज़र स्पीकर के पद पर रहेगी कि किसे स्पीकर बनाया जाता है। बहरहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन मंत्री
बनाया जाना चाहिए था, जिसे हरियाणा सरकार में जगह नहीं दी गई है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।